अब जरा ध्यान दो, जो हमारा ई पार्ट है इसको थोड़ा ध्यान से सुनो, यहां थोड़ा ध्यान से सीरियस हो जाओ। ई पार्ट में अभी तक हमने क्या देखा, मैट्रिक्स को हमने देखा कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करते हैं, फिर हमने देखा कि दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, फिर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसका हमने प्रॉपर्टी देखा, फिर हमने क्या देखा कि एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फिर हमने क्या किया स्केलर मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टी देखा, ये तो हमने देखा। अब हमें करना क्या है, दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये देखना हमें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है, इफ ए मैट्रिक्स ए हैव ऑर्डर एम बाई एन एंड बी हैव ऑर्डर हैज ऑर्डर पी बाई क्यू देन। अब बात को सुनो बड़े ध्यान से, एक मैट्रिक्स हमने ए लिया, ए मैट्रिक्स लिया, इसका ऑर्डर क्या है एम बाई एन, मतलब ए में एम रोज हैं एन कॉलम्स हैं। एक मैट्रिक्स हमने बी लिया, इसका ऑर्डर क्या है पी बाई क्यू, मतलब पी रोज हैं एंड क्यू कॉलम्स हैं, ठीक है। अब यहां देखो क्या है कि यहां क्या बोलना है, फॉर ए बी टू बी डिफाइंड, ए बी को डिफाइंड होने के लिए एम को पी के इक्वल होना चाहिए, ए बी को, बी ए को नहीं, ए बी को डिफाइंड होने के लिए एम पी के इक्वल होना चाहिए। एम क्या है, पहले मैट्रिक्स का हैज ऑर्डर पी वाई क्यू, ठीक है, दिस इज नॉट एम, दिस इज एन, दिस इज नॉट एम, सॉरी दिस इज एन, ठीक है। यहां क्या बोला जा रहा है कि अगर ए बी को डिफाइंड है तो एन शुड बी इक्वल टू पी। अब तुम देखो एन क्या है, एन जो है ना ये एन, ये ए मैट्रिक्स का कॉलम है और पी क्या है, ए बी मैट्रिक्स का रो है, तो ए बी कब डिफाइंड होगा, जब ए मैट्रिक्स का, देखो ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाए। फिर से एक बार और बोल रहा हूं, ए बी कब डिफाइंड होगा, बी ए को नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं ए बी के बारे में बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ए बी मैट्रिक्स कब डिफाइंड होगा, जब जो पहले लिखा है ना ये ए, इसका नंबर ऑफ कॉलम और उसके बाद जो लिखा है ना बी, इसका नंबर ऑफ रो इक्वल हो जाए। यही बात लिखा है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, तब जाके क्या होगा ए बी मैट्रिक्स डिफाइंड होगा, ठीक है। अब तो आ गया समझ में, ए बी डिफाइंड कब होगा, कैसे होगा। अब जब ए बी डिफाइंड होगा तो वो होगा क्या, वो भी तो एक मैट्रिक्स होगा ना, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा वो बोला जा रहा है। वो ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ए का रो और बी का कॉलम। तो देखो ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, एम बाई क्यू, एम क्या है ये जो एम है ये रोज इन ए मैट्रिक्स, ये क्यू क्या है कॉलम इन बी मैट्रिक्स, मेरी बात आ रही है समझ में। तो ए बी जो मैट्रिक्स होगा ये क्या होगा, ए के रो से बी के कॉलम में जाएगा, ठीक है, जैसे ए का रो बी का कॉलम, तो ये ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो नंबर ऑफ रोज इन बी एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन, नंबर ऑफ रोज इन ए मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये ए मैट्रिक्स है। अब अगर किसी को नहीं समझ में आया तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया, कोई ऐसे ले लिया 1 2 3 4, चलो 2 बाई 2 ले लिया, एंड एक मैट्रिक्स मैंने बी ले लिया -1 0 3 8 3 4, ये 2 बाई 3 ले लिया ऑर्डर। एक मैंने सी मैट्रिक्स ले लिया ऐसे 1 2 3 ऐसे ले लिया, ये क्या हो गया 3 बाई 1 ऑर्डर। अब मैं तुम्हें बोलूं कि ए प्लस ए इंटू बी डिफाइंड है क्या, ये डिफाइंड है ये, अगर मैं बोलूं तो बस हमें क्या देखना है कि ए में ए का कॉलम देखो किसके इक्वल है 2 के, और बी का रो देखो किसके इक्वल है 2, बस ए में कॉलम, ए का कॉलम और बी का रो इक्वल हो जाए तो ए भी डिफाइंड हो गया, हो जाएगा। अब कैसे डिफाइन करेंगे वो अभी हम आगे देखेंगे। और मैं बोलूं ऑर्डर ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए बी, ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा ए का रो, ए का रो और बी का कॉलम, बी का कॉलम, तो ये 2 बाई 3 हो जाएगा।
आगे बात समझ में। ए बी को डिफाइंड होने के लिए क्या करना होगा, ए का कॉलम बी का रो इक्वल होना चाहिए। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, ए का रो मतलब यहां से ये रो उठाया, यहां से ये कॉलम उठाया, इसको डिफाइंड होने के लिए इसका कॉलम इसका रो, बहुत बोल दिया। अब अगर मैं बोलूं कि ए सी डिफाइंड है क्या, ये डिफाइंड है, तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले ए लिखा है बाद में सी लिखा है, तो ए का कॉलम क्या है टू और सी का रो क्या है थ्री, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो ए सी जो होगा हमारा नॉट डिफाइंड होगा। अब जब ए सी डिफाइंड ही नहीं है तो इसके ऑर्डर के बारे में बात ही नहीं करेंगे, आ रही है मेरी बात समझ में। तो इसी बात को यहां पे जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ये सेम यही बात लिखा है, आना चाहिए, ठीक है। अगर इसके बावजूद अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम मुझसे अभी जो हमारी कल क्लास होगी तो इसमें आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। अब सेकंड में आ जाओ, फॉर बी ए टू बी डिफाइंड, ठीक है, सेम लॉजिक है। अब देखो क्या बोला जा रहा है, ए का तो ऑर्डर हमने क्या ले लिया, एम बाई एन ले लिया, बी का ऑर्डर क्या ले लिया हमने, पी बाई क्यू ले लिया। अब अगर मैं बोलूं कि बी ए डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है, ए बी ऐसा भी हो सकता है कि ए बी डिफाइंड हो बट बी ए डिफाइंड ही ना हो। अगर बी ए डिफाइंड है तो बी में कॉलम ए के रो के इक्वल होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कॉलम इन बी शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन ए। मतलब जैसे ए में हमने बोला जो पहले वाला मैट्रिक्स होता है ना, जैसे ये ए है ना बी, अब बी ए हो गया तो बी पहले वाला मैट्रिक्स हो गया, तो इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होना चाहिए, तो यही बोला गया नंबर ऑफ कॉलम इन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन ए। तो ऑर्डर बी ए का क्या होगा, ए का रो और बी का रो और ए का कॉलम, तो बी का रो क्या है पी और ए का कॉलम क्या एन, तो इसका पी क्रॉस एन हो जाएगा, वही बात है, आ रही है बात समझ में यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ए बी में हमने क्या बोला था, ए बी में हमने जैसे बोला था कि ए का कॉलम और बी का रो इक्वल होना चाहिए, तो वैसे अगर बी ए में क्या बोलेंगे, बी का कॉलम और ए का रो इक्वल होना चाहिए। ए बी में बोला कि ए का कॉलम और बी का रो, ठीक है, बहुत बोल दिया, याद आना चाहिए बात समझ में, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो अगर बराबर है तो ये डिफाइंड है, नहीं है तो डिफाइंड नहीं है। और ऑर्डर कैसे लिखते हैं, बी ए डिफाइंड है तो ऑर्डर कैसे होगा, पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम, ठीक है, बहुत बोल दिया। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है, इफ ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड देन ऑर्डर ऑफ ए इज एम बाई एन एंड ऑर्डर ऑफ बी इज एन बाई एन। अब यहां क्या बोल रहा है जरा सुनो ध्यान से, अभी मैंने क्या बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि ए बी डिफाइंड हो बी ए डिफाइंड ही ना हो, ठीक है, पहली बात, ऐसा भी हो सकता है कि ए बी डिफाइंड हो बी ए डिफाइंड हो और दोनों इक्वल ना हो, दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि ए बी डिफाइंड हो बी ए डिफाइंड हो दोनों इक्वल हो जाए, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ए बी भी डिफाइंड ना हो और बी ए भी डिफाइंड ना हो, ये भी हो सकता है। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है ना वो रियल नंबर के मल्टीप्लीकेशन जैसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि टू इंटू थ्री डिफाइंड है तो थ्री इंटू टू भी डिफाइंड हो गया, दोनों बराबर हो गया, ऐसा नहीं है। अब जैसे तुम ऐसे देखो, मैं इसको एक एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूं तुम्हें, मान लो कि मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया कुछ भी 1-1 0 8 ले लिया, ठीक है, एंड एक ले लिया मैंने बी मैट्रिक्स ले लिया, इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 बाई 2, ठीक है, एक बी मैट्रिक्स ले लिया मैंने 2 3 4 -5 -5 6 11 ऐसे मैट्रिक्स ले लिया, ये भी ले लिया 2 बाई 3। अब अगर मैं बोलूं कि ए बी डिफाइंड है तो बिल्कुल है, क्यों, बिकॉज ए का रो ए का ऑर्डर क्या हमारे पास, ये 2 बाई 3 ऑर्डर है और बी हमारा ऑर्डर क्या है, ये भी 2 बाई 3 है, सॉरी 2 बाई 2 ऑर्डर है और बी क्या हमारा 2 बाई 3 ऑर्डर है, तो ये दोनों इक्वल हो गया ना, तो ये डिफाइंड हो गया। अब अगर मैं बोलूं बी ए डिफाइंड है क्या, ये डिफाइंड है क्या, तो देखो बी में बी का रो ये क्या है हमारे पास, ऑर्डर क्या है 2 बाई 3 और ए का ऑर्डर क्या हमारे पास 2 बाई 2। अब तुम देखो ये इसमें कॉलम 3 हो गया, इसमें रो 2 हो गया, तो बी ए इज बी ए जो अगर मैं बोलूं डिफाइंड है क्या, अगर ट्रू फॉल्स मैं पूछूं तो इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स, नॉट डिफाइंड। और ए भी डिफाइंड है क्या, तो ये तो डिफाइंड है, ये बिल्कुल डिफाइंड है। अब फाइंड आउट कैसे करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि ए बी तो डिफाइंड है बट बी ए डिफाइंड नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि ए बी भी डिफाइंड हो एंड बी ए भी डिफाइंड हो,
तो ऐसा जब होगा जब ए का, मैंने क्या बोला, ए बी भी डिफाइंड हो, बी ए भी डिफाइंड हो। तो ए बी कब डिफाइंड होगा, जैसे मैंने बोला कि ये भी डिफाइंड है, बी ए भी डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है, तो ये दोनों कब डिफाइंड होगा, जब अगर ए का ऑर्डर अगर एम बाई एन हो जाए और बी का ऑर्डर उल्टा हो जाए, एन बाई एम हो जाए। तो ए बी भी डिफाइंड है, बी ए भी डिफाइंड है। देख लो, ए बी देखोगे तो हमें इसका ऑर्डर क्या दिख रहा है, एम बाई एन, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या दिख रहा है, एन बाई एम। तो देख लो ये तो डिफाइंड हो गया ना, नहीं हो गया डिफाइंड, बिकॉज ए का कॉलम बी करो इक्वल है। अब अगर तुम बी ए की बात करोगे, बी इंटू ए, तो इसका क्या है, एन बाई एम, और ए क्या हमारा, एम बाई एन। तो देख लो यहां से भी ये मैच नहीं कर गया, तो बी ए भी डिफाइंड हो गया। आ रही मेरी बात समझ में? तो इसी बात को यहां लिखा हुआ है, इफ ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, देन ऑर्डर ऑफ ए इज एम बाई एन एंड ऑर्डर ऑफ बी इज एन बाई एम। यही बात यहां लिखा हुआ है।